हेलो चिल्ड्रंस, गुड मॉर्निंग। टुडे वी स्टडी ईवीएस क्लास फिफ्थ लेसन 19। व्हेन देयर इज़ ए डिजास्टर, यानी कि भूकंप होता है तब क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो वन डे नीतिका रीड इन द न्यूज़पेपर, नीतिका ने एक दिन न्यूज़पेपर में पढ़ा कि दैट कि मैनी पीपल डाइड इन द अर्थक्वेक, कि बहुत सारे लोग भूकंप में मार गए। दैट अकर्ड इन अ रिमोट विलेज इन उत्तराखंड, और ये कहाँ का, एक उत्तराखंड के एक गांव का। तो शी आस्क्ड हर मदर, तो वो उसकी मम्मा से पूछती है कि हाउ शी कुड हेल्प द पीपल अफेक्टेड बाय द अर्थक्वेक, कि भूकंप में जिन लोगों को ये लोग प्रभावित हुए हैं उनकी हेल्प अपन कैसे कर सकते हैं। तो नीतिकाज मदर सेड दैट कि शी ऑल्सो हैड फेस्ड, नीतिका की मम्मा ने बताया कि वह भी इस चीज़ को फेस कर चुकी है। और द हार्डशिप ड्यूरिंग द अर्थक्वेक, कि भूकंप के समय जो परिवर्तन हुआ, कि इन कच्छ ऑफ गुजरात, गुजरात के कच्छ में जब भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 को, उस टाइम की बात की। ऑन दैट डे, उस दिन पीपल ऑल ओवर द कंट्री वर सेलिब्रेटेड रिपब्लिक डे विथ ग्रेट एंथुजियस, यानी कि पूरे देश के लोग रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मना रहे थे बहुत उत्साह और जोए के साथ। तो सडनली अचानक पीपल एक्सप्रेस्ड, कि उन्होंने एक्सपीरियंस किया यानी कि अनुभव किया दैट कि द अर्थ वॉज शेकिंग वायलेंटली एंड द बिल्डिंग कोलैप्स्ड विद इन अ फ्यू मिनट्स, कि ये जो पृथ्वी है वो हिल रही है, वाइब्रेट कर रही है, और अचानक से सारी जो बिल्डिंग्स हैं यानी कि बड़े बड़े मकान वगैरह तो ढह गए कुछ मिनट में। तो मोस्ट ऑफ द हाउस, बहुत सारे अधिकतर मकान एंड शॉप्स यानी कि दुकानें वर कन्वर्टेड इंटू हीप्स ऑफ डेब्रिस, मलबे में परिवर्तित हो गई। थाउजेंड ऑफ पीपल एंड लाइव स्टॉक, बहुत सारे हजारों लोग और जानवर गॉट बरीड अंडर द डेब्रिस, उस मलबे के नीचे दब गए। इट वॉज ए हुज डिजास्टर, और ये सबसे बड़ा भूकंप था। अ डिजास्टर, ये जो भूकंप होता है वो क्या होता है, इवेंट दैट ब्रिंग्स टेरिबली लॉसेस, कि जहाँ पर बहुत सारा नुकसान होता है और अचानक से होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि प्राकृतिक आपदाएँ, कितनी आपत्तियाँ होती है। तो नेचुरल जो कैलेमिटीज होती है, ये सारी आपत्तियाँ एग्जिस्ट बाय नेचर, प्रकृति के कारण होती है। तो दे इंक्लूड इसमें सारे भूकंप, जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड, इसके बाद लैंडस्लाइड, साइक्लोन और वॉल्केनिक इरप्शन, ये सब उसमें शामिल किया जाते हैं। सम जैसे कैलमिटीज होती है कुछ प्रिडिक्टेबल, फॉर एग्जांपल जैसे कि हरिकेन, ये हम इसको रोक सकते हैं। पर सम कैलमिटीज सच इज, जैसे कि अर्थक्वेक, भूकंप है, टेक अस बाय सरप्राइज, ये अचानक होता है, और ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड कंडीशन दैट केस डिजास्टर, और इसमें जो मानव की स्थितियाँ होती है वो बहुत खराब होती हैं। और ये जब भूकंप होते हैं तो डिफॉरेस्टेशन किस कारण होता है, जैसे कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों को यानी पेड़ों को काटना, डिटेक्शन ऑफ माउंटेन्स यानी कि पर्वतों की कमी, एक्सिस यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अधिक मात्रा में आप जितने भी प्राकृतिक स्रोतों का उपयोग करना, हैज लेड टू डिजास्टर, इन सब कारणों से भूकंप आते हैं और लैंडस्लाइड्स होते हैं और फ्लड्स, बाढ़ आती। इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर अस टू नो अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैलमिटीज, हमें सभी जितनी भी ये प्राकृतिक आपदाएँ उन सब के बारे में हमें अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए, सो दैट वी मे बी प्रिपेयर्ड, ताकि हम इसके लिए तैयार रह सकें। वी शुड ऑल्सो रिमेंबर, हमें ये भी याद रखना चाहिए दैट ड्यूरिंग ए कैलमिटीज, कि ये जब आपत्तियाँ आती है उस समय वी शुड कम फॉरवर्ड एंड हेल्प द विक्टिम, कि हमें आगे आना चाहिए मदद के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में। हम पहले पढ़ चुके हैं ये सडन अचानक और वायलेंट यानी कि वाइब्रेशन होता है, शेकिंग ट्रेवलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी की सतह पर, और इसी को अर्थक्वेक कहते हैं। अर्थक्वेक आर कैस्ड बाय द कोलिजन यानी कि टक्कर होती है ऑफ द प्लेट्स ऑफ रॉक यानी कि चट्टानों की प्लेटें जो होती है उसमें, अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ पृथ्वी के अंदर, और द अर्थक्वेक्स ऑफ ग्रेट इंटेंसिटी यानी कि बहुत तीव्रता के साथ, कैज ए लॉट ऑफ डैमेज, और उससे बहुत डैमेज भी होता है, नुकसान भी होता है, लाइफ, जीवन और प्रॉपर्टी, पैसे दोनों को। तो इंटेंसिटी क्या होती है, तीव्रता, तो इन अर्थक्वेक भूकंप में, तो द प्लेस वेयर द अर्थक्वेक बिगेंस बिलो द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हाइपोसेंटर, ये पृथ्वी की सतह के नीचे जो तीव्रता होती है उसको हाइपोसेंटर कहते हैं, और द लोकेशन अबव द हाइपोसेंटर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो होता है उसको एपिसेंटर कहते हैं। द शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ फेल्ट ड्यू टू द वेव्स, इसमें जो तरंगे होती है वो महसूस होती है, दैट अकर बाय द सडन रिलीज, और ये अचानक होती है, ऑफ एनर्जी स्टोर इन द अर्थ क्रस्ट,
पृथ्वी में जब क्रस्ट होता है जो अंदर स्टोर होता है, तो स्ट्रेंजर द वेव्स मोर इज द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, और जितनी स्ट्रेंजर होती है ये इतनी इसकी तरंगे इतनी इसकी तीव्रता होती है। लाइटर द वेव्स जो हल्की जो होती है तरंगे, लेस इज द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, जो हल्की होती है उसकी कम तीव्रता होती है। तो ये जो इंटेंसिटी होती है इसको किससे मापा जाता है, तो इसको मेजर्ड ऑन ए रिएक्टर स्केल, इसके द्वारा इसको मापा जाता है। और इसका विकास इट वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। ये देखो चार्ल्स रिएक्टर है, इन्होंने इसका विकास किया था। इसके द्वारा अपन भूकंप की तीव्रता को नापते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ ए अर्थक्वेक लेस देन 5, अगर इसकी तीव्रता 5 से कम है तो वी ओनली फील द वाइब्रेशन, हमें सिर्फ वाइब्रेशन महसूस होगा, कंपन। द थिंग्स इन साइड अवर हाउस, हमारे जो घर के अंदर जितने भी सामान होते हैं फील द वाइब्रेशन, वो हिलने लगते हैं। इट डज नॉट केस ए सिग्निफिकेंट डैमेज, और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज मोर देन 5, अगर 5 से ज़्यादा इसकी तीव्रता, तो कैन बी डिस्टर्ब समटाइम्स द बिल्डिंग्स में कॉलेप्स, यानी कि जो बिल्डिंग्स होती है वो ढह भी जाती है। व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मोर देन 7 से भी अगर ज़्यादा होती है, तो इट मे कैसेज ह्यूज डैमेज, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ओनली द अर्थक्वेक रेसिस्टेंस, न केवल सिर्फ भूकंप आता है, हाउस कैन टॉलरेट एन अर्थक्वेक ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि मकान भी गिर जाते हैं, उसको भी नुकसान होता है। से और इंटेंसिटी 7 और मोर, अगर इससे भी ज़्यादा, तो पुअरली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स में डैमेज, जितने भी पुराने मकान होते हैं ना बड़े बड़े, तो वो सारे बिल्डिंग्स गिर जाती, उनको नुकसान होता है। नेक्स्ट है कि अर्थक्वेक सेफ्टी, अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि व्हेन देयर इज एन अर्थक्वेक, जब भूकंप आता है तो वी शुड डू द फॉलोइंग, हमें क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में। फर्स्ट, इफ यू आर इन बेड, अगर आप बेड पर सोए हो या बैठे हो, तो होल्ड ऑन हमाई पर एंड स्टे देयर प्रोटेक्टिंग योर हेड विथ अ पिलो, अपना जो हेड है यानी कि सिर, उसको पिलो से कवर कर लेना है। नेक्स्ट है कि इफ यू आर नियर अ डेस्क इन योर क्लासरूम, अगर क्लासरूम में हो, आपके आसपास कोई डेस्क है, तो हाइड अंडर द डेस्क, ये दे रखा है कि ड्रॉप करना, ये डेस्क है इसके नीचे अपने आप को कवर करना है, ये होल्ड कर देना है, प्रोटेक्ट योर हेड, ये पीलो से अपने सर को ढक लेना है। और टर्न ऑफ गैस और इलेक्ट्रिसिटी, अगर गैस चल रहा है तो उसको बंद कर देना है, लाइट चल रही थी उसको भी ऑफ कर देना है, एक्जिनिस फायर, आग कहीं चल रही थी उसको भी बुझा देनी है। फाइंड ए वे आउट, बाहर जाने का रास्ता वो भी खुला, स्टे अवे फ्रॉम विंडो और एलिवेटर्स, जितने भी खिड़कियाँ हैं वो सारी, है ना। तो इसके बाद गो ऑन हायर ग्राउंड, आपको ग्राउंड में जाना है जहाँ ऊंचाई पे हो, और पे अटेंशन टू रॉक फॉलिंग, जहाँ पे जैसे ये गिर रही है तो उससे आपको अटेंशन रहना है। डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग और ट्री, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग है पेड़ है तो उससे दूर रहना है, खुले में रहना है। हेल्प नाइबर्स, पड़ोसी की मदद लेनी चाहिए, उनकी भी मदद करनी चाहिए या लेनी चाहिए। गो टू असेंबली पॉइंट, जहाँ भी असेंबली का पॉइंट हो ना, जैसे कि ये दे रखा है। हेल्प विथ फर्स्ट एड, हमें फर्स्ट एड की सहायता लेनी चाहिए। स्टे इन्फॉर्म, और स्टे रुकना चाहिए, इन्फॉर्म करना चाहिए। तो इफ़ यू आर एन ईयर डेस्क, तो इस हाइड अंडर द डेस्क, और स्टे इंडोर्स, हमें इंडोर्स के अंदर स्टे करना है अंटिल द शेकिंग ऑफ द अर्थ स्टॉप। और इफ़ यू आर आउटडोर, अगर आप बाहर हो, तो मूव अवे फ्रॉम बिल्डिंग, बिल्डिंग से आपको दूर रहना है, ट्री पेड़ों से और पावर लाइन्स से, आर एंड रीच एन ओपन ग्राउंड, खुले मैदान में आपको जाना है एंड ले डाउन, वहाँ पर बैठ जाना है। ओके चिल्ड्रंस, नेक्स्ट टुमारो।